नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी में होने वाले डायरिया के प्रॉब्लम के बारे में। तो जब मुर्गी में ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो मुर्गी जो है काफ़ी अलग अलग टाइप की वेट करने लगती है। तो कभी कभी आप देखोगे कि मुर्गी जो है बिल्कुल सफ़ेद कलर का जो है वेट कर रही है, यानी बिल्कुल चूना कलर का वेट कर रही है, या फिर कभी कभी जो है वेट के साथ जो है खून आने लगता है, ठीक है। तो ये जो है रेड कलर का वेट आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आप देखोगे कि ग्रीन कलर का जो है मुर्गी वेट कर रही है। तो ये जो वेट का प्रॉब्लम है, ये दोस्तों मुर्गी के पेट में कभी भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो मुर्गी में जो है डायरिया का प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी जो है ऐसे ऐसे कलर में आपको वेट देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जब ये प्रॉब्लम मुर्गी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मुर्गी जो है खाना बंद कर देती है धीरे धीरे। फिर मुर्गी के बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा पानी का कमी हो जाता है। मुर्गी के पैर आप देखोगे कि वो पूरा खिंचावट आ रहा है, पूरा ड्राई आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो फिर मुर्गी एक जगह जाके बैठे रह रही है, झीम रही है। तो ऐसा कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको नज़र आएगा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम मुर्गी में होता है, तो आपको समझ लेना है कि इस दौरान मुर्गी जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आ गया, तो आपको जो है तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम देखा जाए ये वाइट डायरिया का और जो है रेड डायरिया का, तरह तरह का जो कलरफुल डायरिया है, ये ज़्यादातर चिक्स में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम में अगर आप चिक्स में ध्यान नहीं देते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मॉर्टेलिटी होता है इस प्रॉब्लम से। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो डायरिया का प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा जब गर्मी पड़ता है उस टाइम ये प्रॉब्लम होता है, और दोस्तों बरसात के टाइम में, ये दो टाइम में ज़्यादातर जो डायरिया का प्रॉब्लम मुर्गी में होने लगता है। तो दोस्तों अब अगर बात करें कि अगर आपके मुर्गी में ये प्रॉब्लम हो रहा है वाइट डायरिया का, या फिर रेड कलर का डायरिया बीट कर रही है आपकी मुर्गी, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आप इसका इलाज क्या कर सकते हो? तो इसका इलाज के लिए दोस्तों आप सबसे बेस्ट है, एक मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ जो कि आपको खरीद के ले आना है, उसका नाम है नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। ये जो मेडिसिन है दोस्तों नॉर्फ्लॉक्स टीजेड, ये आपको कोई भी आपके आसपास में जो भी केमिस्ट शॉप है, मेडिकल शॉप्स है, वहाँ से आपको ये मेडिसिन खरीद के ले आना है, और ये आपको बहुत ही ईजिली मिल भी जाएगा। तो इसका जो इस्तेमाल है, ये ज़्यादातर दोस्तों ह्यूमन में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी ह्यूमन में कोई डायरिया या फिर लूज मोशन का प्रॉब्लम जब होता है, तो ज़्यादातर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप बात करें इसके डोज के बारे में, आपको कितना मात्रा मुर्गी में इस्तेमाल करना है, तो 100 मुर्गी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास 100 बर्ड्स है, तो 100 मुर्गी के लिए आप जो है एक टैबलेट का इस्तेमाल करें 3 लीटर पानी में एक टैबलेट को डाल दें, उसको अच्छे से मिक्स करें, उसको घोल लें। जब अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा पानी में, फिर दोस्तों इस पानी को अपने मुर्गी को पिलाना है। तो इसका जो पिलाने का सही टाइम है वो है दोस्तों रात के टाइम। अब हमेशा इस मेडिसिन को रात के टाइम ही इस्तेमाल करने का कोशिश करें, ठीक है। और ख़ास करके अभी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के टाइम में रात में ही इस मेडिसिन का जो है बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो रात के टाइम में 3 लीटर पानी में 100 मुर्गी के लिए इस मेडिसिन को घोल के फिर आपको इसको पिलाना है। तो ऐसे करके आप इस मेडिसिन को लगातार 3 दिन तक इस्तेमाल करें, और 3 दिन से ज़्यादा इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और बात का आपको ध्यान रखना है लास्ट में, कि मुर्गी का जो पानी है, जो आप पानी पिलाते हो, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। और हर तीसरे घंटे में आप पानी का जो है बदलाव करते रहे, पानी को चेंज करते रहें। तो अगर दोस्तों आप ये सब बातों का ध्यान रखें, अगर इस मेडिसिन को चलाते हैं, तो आपकी मुर्गी जो है 3 दिन में स्वस्थ हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज का यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो किसान दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।